सिंध के स्कूलों में सिंधी लाजमी पढ़ाई जाएगी। सिंध असेंबली में एक और करारदाद मंजूर कर ली गई। बताया गया कुछ स्कूल कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहस के दौरान मुनव्वर वसान ने सिंधी ना पढ़ाने वाले स्कूलों पर पाबंदी का मुतालबा किया। अजरा पेचोहो ने कहा सूबे में सबको सिंधी पढ़ानी चाहिए। शहनाज बेगम ने कहा सिर्फ सिंधी नहीं तमाम जबानों की अहमियत समझते हैं, शहरी इलाकों में रहने वाले ज्यादा जबानें पढ़ाने को बोझ समझते हैं। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिससे नॉलेज में इजाफा हो या फिर उससे हमें कोई एडवांटेज मिल सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी अगर हम आजकल बच्चों से पूछते हैं तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर मैथ्स में होता है, साइंस में होता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा तो इंग्लिश में वो इंटरेस्ट लेते हैं। बेहतर ये है कि इस मज़मून को इस तरह से रखा जाए कि अगर वो इंटरेस्टेड है सिंधी में तो उसको इस तरह से रखा जाए कि वो उसको उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर ले, वरना तो उस पर एक बोझ की तरह हो जाएगा। ये सवाल यह है कि कानून मौजूद है तो इस पर अमल क्यों नहीं हो पा रहा, और क्या वाकई करारदादों से इस पर अमल कराना मुमकिन है।